लेकिन हो सकता है आप सब लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है, नमन जितते, तो आप ये बात समझ पाए, राइट। तो इसमें आइडिया ये है कि इस समय जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है टू बैलेंस द वेट ऑफ आयरन, राइट, 10% ऑफ आइस वॉल्यूम इज बीइंग यूज्ड बेसिकली टू बैलेंस द वेट ऑफ आयरन, ओके। लेकिन जब ये पिघल जाएगा तो जो आयरन की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगी वो सिर्फ आयरन की वॉल्यूम होगी, ना कि आयरन के वेट के बराबर की वॉल्यूम होगी, क्योंकि आयरन तो जाके नीचे गिर जाएगा। अब उसका वेट तो एक्चुअली तो मोस्टली नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तो जो इसकी वजह से जगह खाली करेगा वो सिर्फ खुद की वॉल्यूम के बराबर करेगा, जबकि अभी खुद के वेट को बैलेंस करने के लिए कर रहा है, विच इज 10% ऑफ आइस वॉल्यूम एक्चुअली, इफ यू थिंक अबाउट इट, ऑलराइट। ये एक सॉल्यूशन है, समझ में आ जाए तो, नहीं आए कोई टेंशन नहीं है, और भी तरीके अपने पास में, ओके। वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज वी नॉट, एग्रीड, राइट। यदि मैं इसको जाके पिघलाऊं, यदि मैं इसको जाके पिघलाऊं लोहे को नहीं, राइट, आइस को, तो आइस जो बनेगा, राइट, जो वॉटर बनेगा, जो टोटल सामान बनेगा, उसमें वॉटर की वॉल्यूम वापस से करीब करीब 0.9 वी नॉट आएगी, करीब करीब, वैसे 0.899 आएगी। अरे थोड़ी सी जगह इसने भी ले रखी है ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो करीब करीब 0.899, अरे वही जो पिछली बार किया था, पिघलाया जाके एक, अभी तो किया था यार यही चीज, प्लस मेटल की वॉल्यूम जो कि 0.001 वी नॉट के बराबर होगी कुछ, या 0.01 वी नॉट के बराबर होगी, बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है ना मेटल की वॉल्यूम, लेकिन दोनों को अपन जोड़ भी लें तो भी ये वी नॉट से तो कम ही रहने वाला है। नहीं आया अभी भी समझ में? पक्का? अरे तो इन दोनों का सम यदि अपन करेंगे तो कभी भी वी नॉट के बराबर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, तो लेवल घटेगा, राइट। होमवर्क है आपके लिए, यदि वुड का पीस हो बीच में, किसका पीस? वुड, ओके, जिसकी डेंसिटी लेट से वुड की डेंसिटी पानी से आधी है, ठीक है, तो क्या होगा सोच के आइएगा। सवाल सबको क्लियर है? ओके, और भी थोड़े से सोचने वाले सवाल होते, एक दो और वो करा देता हूं मैं, एंड देन वी आर डन। कितना परसेंट ऑफ आइस ऑक्यूपाई किया हुआ होगा उसने? यदि वी नॉट वॉल्यूम है तो लोहे का पीस का कितना वॉल्यूम रहा होगा? रहने दो, कोई नहीं, छोड़ दो सवाल, छोड़ दो, बेकार है सवाल। बहुत कम, 1% तो 1% लिख दिया ना भाई, तो 2 लिख ले, खुश? अभी भी नहीं आया समझ भाई, उसकी जो टोटल वॉल्यूम है इसकी, उसके मुकाबले छोटा सा लोहे का पीस है, छोटे से को कितना परसेंट कर दूं मैं? हाँ हाँ, 1-2% लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं यहां पे ये लिख देता ना तो उसको समझ में आता, 0.01378 ये, ठीक है, बोल ठीक है कि गलत है? ठीक है, नहीं ठीक है, अभी भी एक एक वैल्यू तो लिखनी है ना, तो ये लिख दिया। कुछ भी नहीं लिखना है बे, 2 वी नॉट लिख रहा हूं यहां पे, रेंज में लिख देना, 1-2% की तो लिख दिया, ठीक है, बढ़ू मैं आगे? पक्का भाई? अपन को फास्ट सॉल्व करना है तो ये बेस्ट तरीका है, तो लंबा सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। वुड का पीस है बीच में, तैर रहा है, पूरा समझ नहीं हो रहा होगा आपकी बार, क्यों वो भी आप सोच सकते हैं, यदि अब ये पिघल जाएगा तो
तो लेवल ऑफ वाटर घटेगा बढ़ेगा क्या होगा. ओके एक ये बड़ा प्यारा सवाल होता है सोचना सीखने के लिए. फ्लूड एक वेसल है जो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस्ड है, फ्लूड भरा हुआ है, ठीक है. थोड़ा सा भी इधर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा, राइट. हमने एक वुड का पीस लिया, हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक वाटर, वाटर भरा हुआ है इसमें, इसको हाथ से पकड़ के रखा, वुड के पीस को इसमें फ्लोट होने दिया. जब सब कुछ स्टेबल हो गया, समझ रहे मेरी बात, तब अपना हाथ हटा लिया, ठीक है, ये वुड का पीस है, राइट. हाथ हटा लिया, किस तरफ गिरेगा और क्यों, वेसल किस तरफ गिरेगा और क्यों. क्यों भी बोलना है. हाँ राइट साइड पे पानी वुड नहीं आया. हाँ अच्छा, तो इस तरह वजन नहीं बढ़ा, इधर का पानी चला गया, वुड नहीं है इधर. ओके मैं आपके लॉजिक में गलती बता रहा हूं, मैं आंसर्स में तो गलती बताता ही नहीं हूं, सही से बताता ही नहीं हूं, आंसर सही है गलत है. मेरा कंसर्न सिर्फ लॉजिक में होता है, आंसर लाना मैं नहीं सिखा सकता, सोचना सिखा सकता हूं मैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एनीवन एल्स, करेक्ट आंसर की ये है कि ये नहीं गिरेगा. इसका सिंपलेस्ट आंसर ये था, सिंपलेस्ट, यदि थोड़ा बुद्धि पे जोर डालते. मैंने कहा था सरफेस अच्छी चुनो, याद है मेरी सरफेस ही है. यहां कितना प्रेशर है, रोजी एच, यहां इसके नीचे डिफरेंट होगा, राइट, या रोजी एच ही होगा, क्यों, तो इसके नीचे है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल से प्रूव हो जाएगा. इसका मतलब जितना फोर्स जहां पर जैसा ये लिक्विड में लेफ्ट पे लग रहा होगा वैसा ही लिक्विड का फोर्स राइट में भी उतना ही लग रहा होगा. हेंस प्रूव्ड वेसल के ऊपर दोनों की ऐसे फोर्स बराबर और इक्विडिस्टेंट है सारे. ये सबसे सिंपल प्रूफ है, कॉम्प्लेक्स प्रूफ से भी जा रहा हूं, राइट, जो उन्होंने दिया. मेरा प्रूफ ज्यादा अच्छा है वैसे तुमसे, हाँ पक्का ना, नहीं जबरदस्ती हाँ मत बोलो, इसकी तरह हाँ नहीं बोलना है ना, ये तो चापलूस वाला बन रहा है. ओके है भाई नमन, कितना अच्छा प्रूफ दिया मैंने, है अच्छा है ना मेरा प्रूफ, देखो सही. हाँ भाई मेरा प्रूफ समझ में आया सबको, अगले प्रूफ पे आऊं मैं. ओके दिस इज द नेक्स्ट प्रूफ, इसको मैंने हटा लिया यहां से. ओके ठीक है, वुड को हटा के ले गया, बिल्कुल जैसा इधर राइट में था वुड का पीस, जितनी जगह खाली थी उतना ही यहां पे भी खाली कर लिया मैंने. अब तो बैलेंस है, अब मुझे यह कंपेयर करना है इस खाली जगह पर यहां पे जो लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा और यहां पे जो वुड फोर्स लगा रहा होगा उसमें से बड़ा कौन सा है, या दोनों बराबर है. कैसे पता बराबर है, बहुत सिंपल रीजन, ये उतना ही फोर्स लगा रहा होगा जितना इस लिक्विड ने ऊपर वाली सरफेस पे लगाया होगा, और ये भी वुड उतना ही फोर्स लगा रहा होगा जितना नीचे वाली सरफेस के ऊपर लगाया होगा, और यहां तो दोनों ने फोर्सेस सेम लगाए होंगे, सेम प्रेशर सेम एरिया, हेंस दोनों साइड से फोर्स भी सेम ही लग रहा है. सेकेंड प्रूफ, ये समझ में आ गए दोनों प्रूफ मेरे क्लियरली, बिल्कुल ये आ गया, इसको हटा दो और यहां पर भी उतनी खाली जगह कर दो जितनी सबमर्ज्ड है. अब तो बैलेंस हो गया ना ये, अब देख लेते किस तरफ से फोर्स ज्यादा लगेगा, जिससे फोर्स ज्यादा लगेगा उस तरफ टिल्ट हो जाएगा. पक्का समझ में आ गया ऋषभ, तो अप्रोक्सीमेशन मारना आना चाहिए. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग. भाई ये 4a एरिया का बेस है इसका, मतलब 2a बाय 2a की बेस है, समझ गए. ऊपर ए एरिया का वुड का पीस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फ्लोट कर रहा है,
फ्लोट कर रहा होगा कि डूब रहा होगा? आधी डेंसिटी तो फ्लोट करेगा कि डूब रहा होगा यार? फ्लोट, सॉलिड है बिल्कुल, अंदर से फ्लोट कर रहा है, ठीक है? ये मिटा रहा हूं मैं ये वाले डायमेंशन, ठीक है ना? ठीक है, फ्लोट कर रहा है ये। अब क्या किया हमने, हमने इसको धीरे 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 पुश किया नीचे, ठीक है? कंप्लीट सबमर्ज करने के लिए मिनिमम वर्क हमें कितना करना पड़ेगा? दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर है सबको? व्हाट इज द मिनिमम वर्क दैट वी हैव टू डू टू सबमर्ज इट कंप्लीटली? समझ में आ गया सवाल में क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं ऊपर से, राइट? ठीक है, मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा कि ये कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए? नहीं आ गया सवाल समझ में? ऐसे पुश कर रहे होंगे ऊपर से। नहीं, ओके, हियर वी गो। लेट्स से हम इसको ओरिजिनल पोजीशन से x नीचे ले जा चुके हैं, लेकिन नीचे स्पेस लिमिटेड है। यदि x नीचे आया है तो फ्लूइड थोड़ा तो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा ये भी समझ लीजिए। ये जगह पे जो फ्लूइड होता था उसके पास कोई जगह बची अब जाने के लिए सिवाय ऊपर के? समझ में आ रही बात? यहां जो फ्लूइड दिख रहा है आपको, वो फ्लूइड सारा का सारा कहां जाके जमा हो गया होगा? ये वाली लेयर पे ऊपर। एक तो ये फर्क पड़ेगा यहां पे सबसे बड़ा, देख लीजिए आराम से। मेरा कहना है एक्स ए वुड बी इक्वल टू वाई इंटू फोर ए माइनस ए, दैट वुड मीन एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई, या वाई इज इक्वल टू एक्स बाय थ्री, बेटर वे टू राइट। यदि हम इसको x पुश करेंगे तो एक्चुअली ये 4x बाय 3 डूबेगा। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि x तो हमने पुश किया और x बाय 3 पानी ऊपर आ गया। तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा पूरा सॉल्यूशन ही गलत हो जाता। हमें इसको जो भी इसका हाइट है, क्यूब क्यूब दे रखा है ना, मैं शायद देना भूल गया, डायमेंशन ए लिख देता हूं मैं, एक साइड की डायमेंशन सब ए हो गई, ठीक है ना, राइट? तो यदि मैं इसको ए बाय टू सोच रहा था तो मुझे ए बाय टू इसको पुश करना पड़ेगा या कम पुश करना पड़ेगा? कम पुश करना पड़ेगा, ए बाय टू से कम पुश में ही पूरा डूब जाएगा। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? ऑलराइट, अब बचता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्यूशन नंबर वन कैन बी लाइक दिस। नहीं आया यहां तक समझ में? नहीं आया क्या? ये आ गया समझ में? ये यहां आया, इसने जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो यहां जो फ्लूइड था वो कहां गया? ये जगह पे, क्योंकि और तो कोई जगह है ही नहीं, राइट? यहां तो ये फ्लूइड आ चुका, बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है, पक्का? राइट। अब सॉल्यूशन दो तरह से किया जा सकता है। एक, हम इस फोर्स को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बना ले, बैलेंस करते हुए सारे फोर्सेस, और इंटीग्रल मारते। अरे फोर्स का वर्क ही तो निकालना है ना? नहीं आया समझो? अपन ने जो फोर्स लिखा है जिससे अपन पुश कर रहे होंगे, वेरिएबल होगा फोर्स। क्यों वेरिएबल होगा? क्योंकि हर बार वो वेरी कर रहा होगा बॉयंसी का फोर्स, तो उसके हिसाब से अपना फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी जो पुश करने के लिए चाहिए। उसका सीधे सीधे वर्क कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। भाई इसके अंदर एक तो एम जी लग रहा होगा और एक यहां से, चाहे तो बॉयंसी लिख दीजिए चाहे पीए लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट वुड बी सिंपली एफ जो हमने नीचे लगाया प्लस एम जी माइनस बी। बी कितना होगा और एम जी कितना होगा? एम जी होगा रो ऑफ सॉलिड ए क्यूब इंटू जी। बॉयंसी का फोर्स कितना होगा? ए बाय टू
प्लस एक्स प्लस एक्स बाय थ्री इंटू ए स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी. ये पता नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको. हाँ पक्का. अरे ए बाय टू ये हिस्सा तो है ही सही ना. अरे ये ए बाय टू तो पहले से ही सबमर्ज था. अरे इतना तो ए बाय टू था ही सही ना भाई सबमर्ज. तो वो ए बाय टू तो है ही सही पानी के नीचे एक्स और एक्स बाय थ्री ऊपर आने की वजह से. क्लियर है बिल्कुल. तो ये आपका फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया. वेरी वेरी इजी. रो एस ए क्यूब जो है रो एल वाले से कट जाएगा ए बाय टू से. ठीक है. और आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा. मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है कितना होगा फोर एक्स बाय थ्री ए स्क्वायर रो एल जी. ये फोर्स का फंक्शन मिल गया. इसको इंटीग्रेट कर देंगे वर्क निकालने के लिए. और इंटीग्रेशन भी कहां से कहां करेंगे ये भी ध्यान दे लीजिएगा. यू डोंट नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम जीरो टू ए बाय टू. फिर गलत हो जाएगा क्योंकि आपको उसको एक्स पुश नहीं करना है. एक्स पुश करेंगे तो वो फोर एक्स बाय थ्री डूबेगा. राइट. तो आपको उसको यदि ए बाय टू पुश करना है राइट तो दैट वुड बी इक्वल टू फोर एक्स वन बाय थ्री. नहीं आया शायद समझ. राइट. तो लिमिट रख दीजिएगा यहां पे सॉल्व हो जाएगा. करके दिखाओ इसके भी आगे. थ्री ए बाय एट यदि मुझे सही समझ में आया तो ये पुट कर दीजिए. इतना ही पुश करना पड़ेगा आपको है ना. ए बाय टू पुश नहीं करना पड़ेगा. ए बाय टू से थोड़ा कम पुश करना पड़ेगा. राइट. क्योंकि बाकी वो खुद लिक्विड आके कवर कर लेगा. ओके. इसका पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा सुंदर सॉल्यूशन आता है. कोई ट्राई करके आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा. राइट. वर्क की डायरेक्ट कैलकुलेशन की बजाय पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व किया जा सकता है इसको. मतलब फ्लूइड प्लस सबको एक सिस्टम मान लीजिए एक ही सिस्टम. उसके अंदर जो बॉयंसी के फोर्स का वर्क होगा वो कैंसिल हो जाएगा नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स की तरह. जितना वो इस पे फ्लूइड पे वर्क करेगा उतना ही उसका रिएक्शन सॉलिड पे वर्क करेगा. दोनों का वर्क कैंसिल हो जाएगा. तो जैसे नॉर्मल में होता था. राइट. तो पोटेंशियल वाला सॉल्यूशन भी इसका बड़ा प्यारा है. कोई करके आना चाहे तो करके आ सकता है. ये भी सिंपल है वो भी सिंपल है. दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं. ठीक है. एच सी वर्मा का फ्लूइड का चैप्टर करना है आपको कल के लिए. ऑलरेडी होमवर्क है कुछ. Yes, बहुत सारा है.